बीजेपी बीएसपी और बीआरएस में होगा गठबंधन। तेलंगाना में राहुल गांधी का दावा, ओएसी बीजेपी की बीजेपी। बीजेपी की मदद करते हैं बीएसपी और बीआरएस। लोकसभा चुनाव के बाद मायावती की बीएसपी या फिर तेलंगाना के सीएम केसीआर की बीआरएस, ये पार्टियां बीजेपी के साथ चली जाएंगी। लोकसभा चुनाव में ये पार्टियां सिर्फ विपक्षी गठबंधन के वोट में सेंध मारने की कोशिश करेंगी और बीजेपी को जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करेंगी। पिछले 9 साल में जब भी मोदी सरकार मुश्किल में फंसी है, इन दलों ने उसकी मदद की है। बीएसपी और बीआरएस जैसे दल बीजेपी की बी टीम बन गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हैदराबाद के समीप हुई कांग्रेस की रैली में दावा किया कि जनता को अब उन चेहरों को पहचान लेना चाहिए जो मोदी सरकार के खिलाफ दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में बीजेपी की सरकार बनवाने में मदद करते हैं। राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम किससे लड़ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीआरएस से नहीं लड़ रही है, बल्कि हम बीआरएस बीजेपी एआईएमआईएम से लड़ रही है। ये पार्टियां खुद को अलग बताती है लेकिन असल में एक है। बीजेपी को जब भी जरूरत पड़ती है बीआरएस ने उसका साथ दिया है। किसानों के बिल का मामला हो या फिर जीएसटी का, संसद में जब जब बीजेपी को इन लोगों की मदद की जरूरत पड़ी है, इन दलों ने उनकी मदद की है। जनता सब समझ चुकी है और अब बदलाव तय है। राहुल गांधी ने यह साफ संकेत दे दिए हैं कि भविष्य में भी बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीएसपी कभी भी बीजेपी के साथ जा सकती है। इसके साथ राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि 100 दिन के अंदर बीआरएस की सरकार यहां से हट जाएगी। इसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे बीजेपी हो या ओएसी की पार्टी, इसे बदल नहीं सकती। अगले महीने में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इस दौरान राहुल ने तेलंगाना की जनता को 6 गारंटियां दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें हर महिला को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के हर नागरिक को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके साथ ही युवाओं को कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम देना पड़ता है, जिसकी तैयारी के लिए हम युवाओं को कोचिंग के लिए 5,00,000 रुपए देंगे। बुजुर्गों को हर महीने 4,000 रुपए की पेंशन। हर नागरिक को 10,00,000 स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें 5,00,000 रुपए की मदद। तेलंगाना राज्य की मांग के लिए लड़ने वाले लोगों को 250 स्क्वायर फीट का घर हमारी सरकार बनने पर मिलेगा। किसानों को हर साल 15,000 रुपए और मजदूरों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री वोट लेने के लिए झूठ बोलते हैं। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले सबके खाते में 15,00,000 रुपए देने का वादा किया था, क्या आपके खाते में रुपए आए? उन्होंने वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने अपना हर वादा निभाया है। खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी जो कहती हैं वो पूरा करती हैं। 2004 में सोनिया गांधी ने कहा था कि तेलंगाना के बारे में हम सोचेंगे और उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। आपका जो सपना था तेलंगाना राज्य का सपना, वो सोनिया जी ने पूरा किया। बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समेत कहते हैं। पूरा का पूरा फायदा सीएम के परिवार को मिलता है। हमने तेलंगाना को स्टेट हुड केसीआर के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था, बल्कि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए दिया था। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कहा था अब समय भिड़ने का है, कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई है, अगर अब चूके तो फिर मौका नहीं मिलेगा। मोदी सरकार अगर बच गई तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। साफ है कि कांग्रेस ने अब बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई की तैयारी कर ली है और इसकी शुरुआत तेलंगाना से हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दनौदरपड़ न्यूज।